नायक न्यूज में आपका स्वागत है। आज का जो रामलीला का जो आज का चौथा जो दिन चल रहा है, आज का क्या दृश्य था? आज का मेन दृश्य था सीता स्वयंवर जी। इसमें हमने यहाँ पर एक डोरी भी दिखाई आप लोग को, उसके बाद स्टेट दिखाया किस प्रकार जो सीता स्वयंवर में होता है ना, शादी में होता है, विदाई के समारोह, उसके बाद स्टेट समारोह, जयमाला समारोह, वो सारी चीज़ें हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करी मिथिला कर्णूर स्टार रामलीला के क्लब के सोचने से। क्या नाम आपका? सुभाष चंद्र। कितनी साल से आप प्रयास कर रहे हैं रामलीला का? जो हम 12 साल से कंटिन्यूस रामलीला कर रहे हैं यहाँ पर जी। तो किस तरह का आप लोग महसूस करते हैं जब आप ये कार्यक्रम करते हैं? तो आपने इससे पहले पहले क्या क्या रोल आपने लिए इससे पहले? अगर मैं अपना खुद का बताऊँ? हाँ अपना ही बताइए। तो मैंने सब स्टेट पे पाँव रखा था, तो मैंने भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हरी रावण, मेघनाथ, मंत्री तक के रोल, अनेक रोल मैंने किए हैं स्टेट पे। तो कैसा महसूस करते हो उस टाइम पे जब आपको? देखो फील होता है, अच्छा लगता है कि हम कुछ अपने जो आने वाली संस्कृति और अपने जो पब्लिक और आने वाले भविष्य को कुछ नया चीज़ दे रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं कि जो हमारा एक रामायण था उसके जरिए। तो इस रामलीला के जो आपकी कमेटी के लिए मेंबर में विशेष सहयोग किसका रहता है हर बार? हमारे संचालक अग्रदेव कामत जी का जी, और हमारे संतोष डायरेक्टर जी का होता है जी, गुरुदेव हमारे जो, और हमारे एक बड़े भाई हमारे बीच नहीं रहे, हमारे अजय राय जी, लड्डू राजेश राय जी जी, उस लड्डू भैया कुछ कारणवश हमारे बीच नहीं है, इनका एक्सीडेंट हो गया था जी। ठीक है, तो हमें बड़ा दुख है कि हमारे बीच नहीं है वो। ठीक है, अभी मैं जानना चाहता हूँ, ये सामने बैठे अपने गुरु जी जो है, आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको, आप इस कार्यक्रम को कितने सालों से आप लोग लगातार करते आ रहे हैं? मैं तो सन 1990 से इस काम को करता हूँ जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे, आगे पीछे से? जिला मधुबनी बिहार से। बिहार से काम करते हैं जी। तो आप जब ये कार्यक्रम करें तो आपका क्या क्या इसमें रोल रहता है, मतलब क्या कार्यक्रम जो करते हैं लोग? वैसे तो स्टार्टिंग में पहले मैंने छोटे छोटे रोल किए हैं जी मंत्रियों के जी, उसके कुछ साल पश्चात मैं कंटिन्यू 2011 तक रावण का ही पात्र किया है जी, और रामलीला में सारे पात्र किए हैं, ऑलराउंडर वो भी पात्र मैंने छोड़े। इस वाले 2018 में आपने कुछ ऐसा कोई और रोल लिया? फिलहाल मैं दशरथ का ही करता हूँ कंपलसरी। मतलब आज भी किया था कुछ आपने? आज कुछ नहीं, आज रोल नहीं था ना आपका। ठीक है, चलिए जी। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं सबसे फर्स्ट टाइम रामलीला आज से कम 17 साल पहले स्टार्ट किया था, और मैंने पहले स्टेज पे झाड़ू लगाया करता था जी जी जी, जो बात है सच्चाई है। और धीरे धीरे जो हमारे गुरु जी थे बड़े बड़े कलाकार, उन्होंने कहा तो अच्छा कर सकता है, तो मैंने छोटे मोटे रोल किया। सबसे पहला मैंने झाड़ू वाला तो बहुत अच्छा काम है, केजरीवाल भी लगाया उसने बहुत, वो तो सी एम है। हनुमान जी की सेना में रोल किया था और आज उनके बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो आपने इसके अलावा कुछ और भी काम किया हुआ है इसमें क्लब के अंदर में? नहीं नहीं, बस सिर्फ यही रोल आप करें। चलो बहुत ही रोल तो सारे करता है, रोल तो सारे करते हैं। आपका एक दोबारा से होना है, आप आ जाओ, हो नहीं पाया वो। आ जाओ। हाँ, नायक न्यूज आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसमें कितनी साल से इस कमेटी के अंदर में, आप जो आपकी रामलीला कमेटी के अंदर में आप जो काम कर रहे हैं, कोई कमेटी के अंदर में? पहले दूसरे मेरे के तले तो हम भी 18-19 साल से ही है, लेकिन एक अपना इस क्लब का नाम जब से दिया मिथिला पुरुषा क्लब, उसके तहत हम 12 साल से लगातार हम कर रहे हैं अपने भाइयों के सहयोग से। और आपने क्या क्या रोल आपने जो निभाए हैं इसके अंदर में? सर मैं सिर्फ संचालक, संचालन किया हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम जानना चाहते हैं, हमारे राम जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे कुछ मतलब जानना चाहेंगे उनके बारे में कि बड़ा अच्छा उन्होंने इन्होंने रोल भी किया आज, और उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे, तो माइक आप उनको दे दो, बैठ जाएंगे। सबसे पहला जय श्री राम, सब लोग बोलो जय श्री राम। हाँ, भगवान राम जी, नायक न्यूज में आपका स्वागत है, और इस चैनल के लिए भी आपका भी हमें आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, तो बताएं अपने बारे में आप जी।
तेज बोले, तेज तेज बोले। तीसरा साल है यहाँ पे, तो बड़ा ही अच्छा लगता है इनके साथ श्रीराम चौधरी का रोल करने का सौभाग्य मिला। जी जी जी। और अगर मैं भगवान श्री रामचंद्र से 2% भी सीख रहा हूँ उनसे कि किस तरह हमें चलना चाहिए अपने जीवन में, तो मैं अपने आप को बड़ा सक्सेसफुल। जी जी, ठीक है भाई। लक्ष्मण जी हमारे भगवान जी हैं, उनसे कुछ जानना चाहेंगे, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। स्वागत, हाँ स्वागत है आपका। हम आपसे भी कुछ दो शब्द पूछना चाहेंगे आपके बारे में कि आप कितने साल से। जी जी, मैं 4 साल से मिथिला कॉलोनी स्टार क्लब में जुड़ा हूँ और मैंने 4 साल से लक्ष्मण का ही पात्र किया और जो भी अनेक पात्र जो मुझे मिले हैं, मैं कहूँगा जब जब से मैंने लक्ष्मण का रोल किया है मैं बहुत ही गर्व के साथ महसूस करता हूँ और भगवान श्री राम के पथ पर चलते मुझे आगे अच्छे से अच्छी बातें और सीख मिली है। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिहार मधुबनी से। मधुबनी से कितना समय हो गया आपको दिल्ली में रहते हुए लगभग समथिंग? जी, तो ये रामलीला करने के लिए आपको कम से कम कितना समय लेना होता है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है आपको, जो सारा कुछ जो आपको याद करना होता है, कितना समय लेना होता है लगभग रामलीला स्टार्ट होने से पहले, कितने महीने पहले सब लोग तैयारी करते हैं समथिंग? वन मंथ पहले सब लोग करते हो ना? जी जी, तो कहीं क्लासेज होती हैं कहीं पे या कोई एक जगह होता है या सब अपने अपने घर पे कोई थ्योरी दी जाती है? रिहर्सल वगैरह कहीं ऐसी कुछ जगह होती होगी आप लोगों की कि जहाँ वो ट्रेनिंग दी जाती होगी ना कहीं एक ऐसी जगह पे, ऐसा ही है ना? हमारे हमारे इधर ये स्कूल है जी, हमारा विश्वकर्मा मैंने ख्याल से अच्छा अंदर ही, ठीक है। तो वहाँ कोई ऐसे आपके कोई मॉनिटर होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, कोई ऐसा कोई व्यक्ति हैं जो मैंने गुरु जी को ही ऐसे हैं जो आपको? और हमारे डायरेक्टर संतोष भाई जी और हमारे भी जिनका सुबह भाई ने बताया राजेश भाई जी, जो भी हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी सीता माता बैठी हुई हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, दो शब्द वो भी अपने रखें। और स्वागत है आपका नायक न्यूज में, आप अपना नाम और पर्ची अपना दें इस चैनल के माध्यम से, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं मिथिला कॉलोनी स्टार क्लब में पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी, और मैंने मिथिला कॉलोनी स्टार क्लब में अनेक रोल किए हैं और जो सबसे ज़्यादा किए हैं वो लेडीज पात्र किए हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा और भी कोई आपने रोल किए हैं के अलावा? रोल किए हैं मंत्रियों के और मतलब ज़्यादातर आपको जो रोल करते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा कौन सा है जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है? लेडीज रोल में ज़्यादा इंटरेस्ट। सीता का रोल, और ये मुझे सीता का मुख्य पात्र निभाने का मौका मिला, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने सभी बड़े भाइयों को। तो आप अपने हिंदुस्तान के अंदर में जो हिंदू धर्म है उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि ये जो कार्यक्रम रामलीला का है इसको बरकरार रखें, जो हमारी संस्कृति है भारत की उसको बरकरार रखें, तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए हर जगह, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बोलिए। कि महिलाओं को कितना सम्मान होता था। जी, क्योंकि रामलीला के प्रति जैसे सीता माता का मतलब जो भी हुआ तो जिससे रावण ने सीता माता से नहीं किया, वही हम चाहेंगे कि आपके जो मतलब जो दुष्ट पाप लोग हैं वो मतलब महिलाओं से मतलब ऐसे ना करें कि पाप का तो मतलब कभी भला नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।